नमस्कार, अपन परिचय बताओ हजूर। नमस्कार, हमारा नाम राजू श्रेष्ठ, हम प्राचीन कपिल वस्तु यातायात प्रणाली के संयोजक हुई। आज से हमारे सब काबलोत है आपके खुनगाई से तौलेवा एक गाड़ी 9:30 बजे और एक गाड़ी काबलोत है खुनगाई से अलीगढ़वा दैनिक। हम इनके संचालन हुई, संचालन करके हमारे गुलागी सड़क से हमारे विस्तार करे में तत्पर हन। आज उद्घाटन सेरेमनी हुए तो ऐसे खुनगाई से पकड़ी के कितना भाड़ा रखल गया है? पकड़ी के 70 रुपया। जयनगर कितना रख के गए थे बता दे हजार किनारे से भाड़ा बनाई धन। अच्छा, डायरेक्ट भाड़ा अब बनावा जाता है किलोमीटर के हिसाब से। हमारे सब काबिल थे निर्धारण करा जाए, ज्यादा भाड़ा नहीं लेवा जाए, उचित भाड़ा। लुम्बिनी क्षेत्र के जनता से अब आपके कपिल वस्तु के जनता से आप क्या चाहे जाते? बहुत अच्छा कहा कि अब भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी हो तो हमने उनके क्रीड़ा स्थल तिरोरा को तौलेवा हो कारण से हमारे पुरान संबंध हुलाकी सड़क से ज्यादा नाता है, इसलिए हम लोग गाड़ी यहाँ के जनता की सुविधा के लिए हमारी गाड़ी संचालन करा जाता है। आदरणीय जन समुदाय, आज बड़ा खुशी की बात है कि हमन के ये बहुत पुरान हुला की सड़क हो, ये समझा जाए परंपरा काल से रहल, लेकिन सड़क न बने के नाते से बड़ा समस्या रहल। सब लोग पैदल यात्रा करत रहे, साइकिल का यात्रा करत रहे, लेकिन आज से 2080 मंसीर 22 गते से प्राचीन कपिल वस्तु यातायात प्रणाली से जो शुरू भइल है, ये खुनगाई चौराहा से लेकर तौलिहवा से लेकर बिमिया करमा बांसखोर बेलभरिया बिठुआ देवपुर जयनगरा होत खुनगाई आई, अलगढ़वा से पकड़ी करमा बेलभरिया होत खुनगाई आई। ये बड़ा खुशी की बात है, यह क्षेत्र के जनता लोग अब इन तक बस न चले से बड़ा समस्या भोगत रहा है, लेकिन ये बस चले के नाते से सब जनता में खुशहाली रही, सबके सुविधा रही। आदरणीय जन समुदाय लोग, आप लोग भी यह सड़क पर यात्रा किया जाए, कोनो प्रकार के समस्या होई तो का बतावल जाए, आप लोग के सेवा के लिए कम भाड़ा में गाड़ी मिली। यही क्रम में यहाँ का स्थानीय ओम प्रकाश जी हमारे सामने है, जैसे बस रास्ते चलत है, कौन मेरे का खुशी है आपके? धन्यवाद, हम ओम प्रकाश शर्मा खुनगाई से। अमन के लिए बहुत खुशी की बात है, कम से कम रोड पे अमन के बस नहीं चलत रहा। अगर बस चलत है अगर उचित रेट में उचित भाड़ा लगाए के हमारे व्यवसाय समिति से भी कहा जाए, यहाँ के ड्राइवर और खलासी से भी कहा जाए कि मान्यता रख के अगर यह रोड पे संचालन किया जाए तो बहुत खुशी की बात है। कहे थे रोड पे अभी तक बस नहीं चला, अब शुरू में एक करे तो कोनो चीज प्रगतिशील नहीं हो पाई, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ के जनता हमारे अपन जो सवारी लोग बैठी और यहाँ के जो बस व्यवसायी और बस लोग के मालिक लोग हैं एकदम संपर्क में अच्छा से रख के बस संचालन करल जाए। इस सेवा सुविधा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग करल जाते, एक लिए बड़ा खुशी की बात है और हम कहा कही धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, यही बीच में आप अपन परिचय बताओ। मेरा नाम ब्रह्मानंद चौधरी है, प्राचीन कपिल वस्तु का संचालक। जैसे आज से जो बस चलत है आपके कौन मेरे के खुशी है? बहुत बढ़िया है, अब इनसे बड़ा समस्या होता रहा जनता के हमने के आज से बहुत बड़ा खुशी है। यहाँ के सुविधा साधन सब जनता आना जाना गमन हेन तेन सब पहुँचे हैं, टाइम पे पहुँची है, हर जगह टाइम से जाए करी है, आराम से ही है। बीच में आपसे आप बता दीजिए। मेरा नाम अमर सिंह चौधरी है, प्राचीन कपिल वस्तु यातायात के अध्यक्ष जी हुई है। यहाँ पे हमन को जो खुनगाई तोलेवा से बस जो संचालन है, यहाँ पब्लिक जनता के मांग अनुसार है उलाकी सड़क में पहले से भी हमन की उलाकी सड़क के नाता रहा है, तो हिसाब से हमने जो है बस जो है आज से संचालन करा जाए, उद्घाटन आज से हुई जो है हमारे पूर्वा में कन्हैया लाल चौधरी के हाथों से आज उद्घाटन हुई। आज से यानी दैनिक हम बन के दुई गाड़ी, एक गाड़ी यहाँ से डायरेक्ट तौलेवा जाए, एक गाड़ी डायरेक्ट यहाँ से आपके अलीगढ़वा चाकर चौड़ा जाए। धन्यवाद। यही क्रम में कुछ लोग बैनर लेकर खड़ा है, हम बातचीत करे चाहब, आप अपन परिचय दिया जाए हजूर। मेरा नाम नेपाली में बोलना तो सके, अरे चाहे जन्म बोलो बाबू। मेरा नाम दिलीप यादव हो, माँ चाहे जो भैरवा लुम्बिनी तौलिया रोड को मैं ड्राइवर हो, अब हमी चाहे हम कर्मचारी सीधा चाहे वार्ता कानी मिलाएर चाहे
अब यो रोड में गाड़ी चलाने लाई हमी संगठन मिलाएका छौं। अब आज देखि चाहिए हम खुनगाई देखि अलीगढ़ में तौली में जाना को लगी गाड़ी छोड़कर छ। अब आज देखि चाहिए गाड़ी टाइम टाइम में सब चाहे पैसेंजर मिल्छ पाने धन्यवाद।